जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से आगाज कर रहे हैं, तो आज बायोलॉजी पार्ट टू लेक्चर नंबर वन जो है हमने चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस बेसिकली दो लफ्जों से ये लफ्ज निकला है। अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ड है होमो, इसका मतलब है सेम। सेकेंड वर्ड जो है दैट इज स्टेटस, दैट मीन्स कंडीशन। होमियोस्टेसिस यानी सेम कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस। डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। The protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्वेटिक भी हो सकती है, वाटर कंडीशन भी हो सकती है, ड्राई लैंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, ह्यूमिडिटी के लिहाज से कोई भी अगर चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखते हैं, उसकी कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, इसे होमियोस्टेसिस कहा जाता है। होमियोस्टेसिस जो है बेसिकली इसके तीन मैकेनिज्म्स देखे जाते हैं। तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक खास रेंज में मेंटेन रखते हैं। वो तीन मेथड्स जो हैं, ये तीन मैकेनिज्म्स जो हैं, वो बेसिकली आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उन तीन मैकेनिज्म्स की बात करें तो होमियोस्टेसिस के फर्स्ट थ्री मैकेनिज्म्स हैं। सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो है हमारे पास दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन। सेकेंड मैकेनिज्म है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए
लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं सोल्यूट और वाटर कंटेंट के लिहाज से, इसे ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। सेकेंड है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यू है, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को एक्सक्रीशन कहा जाता है। मैकेनिज्म की बात की जा रही है यानी ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है उसे रिमूव करते हैं एक्सक्रीट आउट करते हैं उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। थर्ड मैकेनिज्म है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। टर्म थर्मो जो है बेसिकली टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। यदि यहाँ पर टेम्परेचर की बात की जा रही है तो इसकी डेफिनेशन कुछ यू है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन। यानी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक खास रेंज में जो है वो मेंटेन रखते हैं तो इसे थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनके खास बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखा जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा होगा तो उनकी बाकी सब एक्टिविटीज भी इफेक्ट होंगी। जैसे कि ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लें, 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें हमारी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म होती हुई देखी जाती हैं। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा हो तो उससे जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन है वो इफेक्ट होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी की वो इफेक्ट होती है। तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को एक खास रेंज में मेंटेन रखना, चाहे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आए, इसे होम्योस्टेसिस की कंडीशन में जो हम लोग मैकेनिज्म ऐसा थर्ड वन थर्मोरेगुलेशन में हम लोग स्टडी करते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन तीनों मैकेनिज्म्स को कॉन्टिन्यू रखने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए या थर्मोरेगुलेशन के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक खास किस्म का सिस्टम जो है वो देखा जाता है जिसे कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाता है, उसे उन फ्लक्चुएशन से उन चेंजेस से बचाया जाता है और उस सिस्टम को बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ये इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस का। इसमें ये तीन पॉइंट्स जो है, ये तीन मैकेनिज्म्स जो है, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, ये तीन मैकेनिज्म बेसिकली आप इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मैकेनिज्म जो है ऑस्मोरेगुलेशन का स्टार्ट करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ने वाले, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑस्मोरेगुलेशन।
ज्यादा सेल्स को अवेलेबल होता है प्लांट्स के। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट्स में कौन कौन सी अडॉप्टेशन देखी जाती है, हाइड्रोफाइट्स की बात करें क्योंकि ये प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में पानी जो है वो ज्यादा सेल्स के अंदर एंटर होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर है या फिर मेरीन वाटर है। अब जितना ज्यादा पानी सेल्स के अंदर एंटर होगा उसी लिहाज से प्लांट में अडॉप्टेशन भी देखी जाती है। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं मोस्टली इनमें ये कंडीशंस देखी जाती है कि जो लीव्स हैं वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, लीव्स जो है लार्ज होते हैं और उनमें ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म ज्यादा देखा जाता है। लीव्स जो है वो साइज में बड़े होते हैं, जितने बड़े लीव्स होंगे उतने ज्यादा स्टोमेटा उस पर पाए जाएंगे और मोस्टली हाइड्रोफाइट्स लीव्स हैं उनके स्टोमेटा की सर्फेस के ऊपर जो है वो देखे जाते हैं। सर्फेस के ऊपर स्टोमेटा होने की वजह से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, यानी जितना पानी सेल्स के अंदर एंटर हो रहा है उतनी ही ज्यादा पानी की इवेपोरेशन भी देखी जाती है और जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उस तरह से अपना वाटर बैलेंस जो है ऑसो रेगुलेशन जो है ये प्लांट है वो शो करते हैं। सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास आ जाती है दैट इज मेसोफाइट्स। मेसोफाइट बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मॉडरेट एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें ऐसे प्लांट्स जिनको पानी जो है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता ना ही बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ऐसे प्लांट्स जो है उन्हें एक सुफिशियंट एक खास अमाउंट में वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। तो इनमें इस लिहाज से अडॉप्टेशन जो देखी जाती है वो यूँ है कि उनमें लीव्स जो है वो भी जो है मॉडरेट साइज के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े लीव्स देखे जाते हैं ना ही बहुत छोटे लीव्स देखे जाते हैं, क्योंकि पानी उन्हें सुफिशियंट सप्लाई जो है वाटर की उनमें पाई जाती है। तो मोस्टली इनमें जो स्टोमेटा है वो भी ओपन रहते हैं, अगर पानी अवेलेबल है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे ताकि ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म भी कॉन्टिन्यू रहे, लेकिन अगर पानी कम अवेलेबल है उसकी शॉर्ट सप्लाई देखी जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि स्टोमेटा को क्लोज कर लिया जाता है ताकि कम से कम वाटर का लॉस है वो देखा जाए। जितना कम वाटर लॉस होगा उतना ही जो है ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन अपना एक जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन रख सकते हैं। थर्ड कंडीशन इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास हाइड्रोफाइट की एग्जाम्पल में लिली प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेसोफाइट में रोज है या फिर ब्रासिका इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास दैट इज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ही ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे वाटर की सप्लाई बहुत ही कम देखी जाती है, ऐसे कंडीशन में भी फर्दर अडॉप्टेशन जो है वो पाई जाती है प्लांट्स में। वो क्या है ज़ीरोफाइट मोस्टली हम लोग डेजर्ट प्लांट्स को भी कहते हैं जहाँ पर वाटर की बिल्कुल ही शॉर्ट सप्लाई देखी जाती है और जब भी वाटर अवेलेबल हो प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो मोस्टली जितने भी ज़ीरोफाइट हैं उनकी अडॉप्टेशन कुछ यूँ हैं कि ज़ीरोफाइट में लीव्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के देखे जाते हैं और थिक लीव्स देखे जाते हैं, स्मॉल साइज के और थिक लीव्स देखे जाते हैं। उनके ऊपर क्यूटिकल की एक खास लेयर जो है वैक्सी लेयर या फिर लेदरी थिक सी लेयर जो है वो देखी जाती है ताकि कम से कम वाटर लॉस जो है वो लीव्स के थ्रू देखा जाए। स्टोमेटा जो है वो ज्यादातर लीव्स की लोअर सरफेस में पाए जाते हैं और डिप्रेशन के अंदर पाए जाते हैं, यानी उसकी एक अंदर खास ओपनिंग के अंदर पाए जाते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस जो है वो देखा जाए। एग्जाम्पल इसकी कैक्टस प्लांट है जो कि ज्यादा ड्राई सीजन में क्या देखा जाता है ड्राई एरियाज में जो है वो देखा जाता है और मोस्टली ड्राई एरियाज में भी कैक्टस प्लांट को अगर वाटर जो है वो ज्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं होता तो ऐसे प्लांट जो है अपने लीव्स की शेडिंग करते हुए देखे जाते हैं, यानी अपने लीव्स जो है वो गिरा देते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस जो है वो देखा जा सके। लीव्स नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म भी नहीं होगा। ज़ीरोफाइट प्लांट्स में मोस्टली जो
का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो स्टेम को देखा जाता है। स्टेम जो है वो ग्रीन कलर की होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है। मोस्टली ऐसे प्लांट रेनी सीजन में जब बारिशें होती हैं तो पानी हम लोग स्टोर कर लेते हैं ताकि उस पानी को ड्राई कंडीशन में, ड्राई वेदर में, ड्राई सीजन में जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तीन बेसिकली प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा। तीन तरह के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट है, मेसोफाइट है, ज़ेरोफाइट है, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म को किस तरह से फॉलो करते हैं। हाइड्रोफाइट जब पानी में पाए जाते हैं तो इनमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है। मेसोफाइट एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा तो इनमें स्टोमेटा को ओपन रखा जाएगा, कम अवेलेबल होगा तो स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि ज़ेरोफाइट है बिल्कुल ही ड्राई एरिया में पाए जाते हैं तो उनमें उसी लिहाज से ऑपरेशन देखी जाती है कि लीव्स जो है बिल्कुल ही छोटे साइज के होते हैं और ड्राई सीजन में उनकी भी शेडिंग कर दी जाती है ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन जो है वो देखी जा सके। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट जो है वो कंप्लीट होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।